हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोग अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रामर के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम लोग जो है इम्फेटिक प्रोनाउन, जो प्रोनाउन का एक प्रकार है, हम लोग आज इम्फेटिक प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे, जिसे हिंदी में दृढ़ता सूचक सर्वनाम बोलते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, उसके डिफरेंस में बताया था और एग्जांपल दिया था। इस वाले वीडियो में हम लोग जो है इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रोनाउन का एक प्रकार है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है इम्फेटिक प्रोनाउन की परिभाषा है। इसकी परिभाषा है कि व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू एम्फेसाइज द नाउन आर प्रोनाउन, दे आर कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए, इसमें कह रहा है कि व्हेन, कह रहा है कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज मतलब जोर देने के लिए, किस पर, नाउन, किसी नाउन पर आप प्रोनाउन या किसी प्रोनाउन पर, दे आर कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन, तो उसे इम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। इसका हिंदी में भी मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है। देखिए, यहां पर मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है कि इम्फेटिक प्रोनाउन भी पर्सनल प्रोनाउन के समान ही, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के समान, फिर से देखिए, कह रहा है कि इम्फेटिक प्रोनाउन भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के समान ही पर्सनल प्रोनाउन से बनते हैं। ध्यान सुनिएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के समान ही पर्सनल प्रोनाउन से बनते हैं, या किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए, इसलिए इनका प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के बिल्कुल निकट ही होता है। ऐसी मैं बता दूं कि जिन शब्दों का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए किया जाता है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग जो है इम्फेटिक प्रोनाउन के लिए किया जाता है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जो है स्वयं उसी के ऊपर पड़ता है। जैसे मैंने स्वयं को जख्मी कर लिया, लेकिन किसको, स्वयं को। अब यहां पर स्वयं जो है माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और इसमें और इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, यह जो है किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे I myself did this work, मैंने स्वयं इस कार्य को किया है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इम्फेटिक प्रोनाउन में सेम शब्दों का प्रयोग होता है, बस उनके कार्य में अंतर होता है। तो आई फ्रेंड्स, कुछ इसमें देखते हैं कि वे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग जो है इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में होता है। तो फ्रेंड्स, ये शब्द हैं जिनका प्रयोग इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में होता है, जैसे माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, वन सेल्फ है, आवर सेल्फ्स है, योर सेल्फ्स है और देम सेल्फ्स है। इनका प्रयोग जो है रिफ्लेक्सिव में भी यही होता है, इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है, और इम्फेटिक में भी प्रयोग होता है, बस दोनों के कार्यों में अंतर होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव खुद उसके ऊपर पड़ता है, और इम्फेटिक प्रोनाउन में, जैसा कि इम्फेटिक मतलब एम्फेसाइज शब्द से बना, एम्फेसाइज मतलब जोर देना होता है, तो इसमें जो है वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर है पहला एग्जाम्पल की आई माई सेल्फ विल टीच यू, कह रहा है कि मैं माई सेल्फ स्वयं विल टीच यू, मतलब मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ध्यान देना फ्रेंड्स, जैसे अगर मैं दो वाक्य बोलूं कि आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, और ये दूसरा वाक्य आई माई सेल्फ विल टीच यू, मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो यहां पर कौन सा शब्द है जो जोर देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है? यह जो है माई सेल्फ शब्द जो है ये प्रोनाउन आई पर जोर दे रहा है कि मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो इसमें माई सेल्फ क्या है, माई सेल्फ जो है ये यहां पर यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सॉरी यहां पर इम्फेटिक प्रोनाउन है, या माई सेल्फ जो है ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। लेकिन अगर यह सेंटेंस इस तरह रहता कि आई टीच मी माई सेल्फ, मैं अपने आप को स्वयं पढ़ाऊंगा, अगर ये कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव उसके ऊपर स्वयं पड़ता तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता। यहां पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि मैं तुम्हें स्वयं पढ़ाऊंगा, तो माई सेल्फ क्या होगा, इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। दूसरा देखिए, दूसरा है कि रोशनी हर सेल्फ प्लेड ऑन पियानो, कह रहा है कि रोशनी जो है हर सेल्फ, रोशनी स्वयं प्लेड ऑन पियानो, रोशनी ने स्वयं पियानो को बजाया। अब यहां पर कौन सा शब्द है जो कि जोर देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है? तो हर सेल्फ शब्द जो है किस पर जोर दिया, ये नाउन पर जोर दे रहा है, रोशनी नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो रोशनी ने स्वयं पियानो बजाया,
तो यहां पर हर्सेल सब जो है नाउन पर जोर देने का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। थर्ड वाले में द डायरेक्टर हिमसेल्फ डिसमिस्ड हिम, कि डायरेक्टर ने स्वयं इसे डिसमिस कर दिया, डायरेक्टर ने स्वयं उसे नोटिस निकाल दिया या डिसमिस कर दिया। तो अब यहां क्या कर रहा है, अब यहां पर डायरेक्टर ने स्वयं, अब यहां पर ये हिमसेल्फ शब्द जो है यह जोर देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, किस पर, डायरेक्टर पर, मतलब किसी नाउन पर। डायरेक्टर क्या है, एक नाउन है, तो यहां पर हिमसेल्फ क्या होगा, ये इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। चौथा है दे देमसेल्फ्स साइट, उन्होंने स्वयं इसे देखा। तो यहां पर कौन सा शब्द है, दे पर जोर कौन सा डालना है, दे पर जो है ये देमसेल्फ शब्द जो डालना है, तो इसमें देमसेल्फ क्या होगा, ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। नीचे वाले फाइव वाले में है द किंग हिमसेल्फ गेव हर द मेडल, कह रहा है कि राजा ने हिमसेल्फ स्वयं जो है गेव हर द मेडल, राजा ने स्वयं उसे मेडल दिया, स्वयं पुरस्कार दिया है, स्वयं मेडल दिया। तो इसमें कौन सा शब्द है इम्फेटिक प्रोनाउन, हिमसेल्फ है, क्योंकि यह किंग नाउन पर जोर दे रहा है। नेक्स्ट है द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, कह रहा है कि शहर स्वयं में बहुत बड़ा नहीं है। तो यहां पर कौन सा इम्फेटिक प्रोनाउन, इटसेल्फ है, क्योंकि निर्जीव वस्तुओं के लिए टाउन पर जोर दे रहा है, तो निर्जीव के लिए इटसेल्फ का प्रयोग होता है, आप जानते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि वी आवर सेल्फ डिड इट फॉर योर पीपल, कह रहा है कि वी आवर से हमने स्वयं जो है डिड इट इसे किया फॉर योर पीपल, तुम्हारे लोगों के लिए, मतलब हमने स्वयं इसे तुम्हारे लोगों के लिए किया। तो इसमें कौन सा शब्द जोर दे रहा है, इसमें आवर सेल्फ जो है या आवर सेल्फ वी प्रोनाउन पर जोर दे रहा है, तो यहां आवर सेल्फ क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। एट वाले में वन ऑफ टेन हर्ट्स वन सेल्फ एक्सीडेंटली, कह रहा है कि वन ऑफ टेन दस में से एक व्यक्ति हर्ट्स वन सेल्फ स्वयं को जख्मी कर लेता है एक्सीडेंटली अचानक, कह रहा है कि वन ऑफ टेन दस में से एक व्यक्ति हर्ट्स वन सेल्फ एक्सीडेंटली स्वयं को अचानक जख्मी कर लेता है। फ्रेंड्स आपको इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते समय ध्यान देना होगा, आई के साथ माई सेल्फ लगेगा, यू के साथ योर सेल्फ और योर सेल्फ लगेगा, एक बचन रहेगा तो योर सेल्फ, बहुवचन रहेगा तो योर सेल्फ रहेगा, वी के साथ आवर सेल्फ रहेगा, ही के साथ हिम सेल्फ रहेगा, सी के साथ हर सेल्फ रहेगा, कोई निर्जीव वस्तु है तो इट सेल्फ रहेगा, और वन कोई एक व्यक्ति के लिए लगता है ना, वन रहेगा तो वन सेल्फ रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है, एक महत्वपूर्ण बात, इसमें अधिकांशतः जो है प्रोनाउन आई या किसी नाउन के तुरंत बाद जो है इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग होता है। आई के बाद माई सेल्फ देखिए है ना, रोशनी के बाद हर सेल्फ है, यहां दे के बाद देमसेल्फ है, यहां किंग एक नाउन है, नाउन के तुरंत बाद हिमसेल्फ है, टाउन के बाद इटसेल्फ है, ठीक है, वी के बाद और सेल्फ है। तो यहां पर तुरंत किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद तुरंत जो है इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग होता है अधिकांशतः, तो, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं भी होता है, हम बाद में भी रख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे के बता रहा हूं, तो क्या फ्रेंड्स यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, जैसे ये है कि आई माई सेल्फ विल टेक यू देयर, कह रहा है कि मैं स्वयं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा। अब यहां पर ये माई सेल्फ का प्रयोग जो है, ये माई सेल्फ का प्रयोग आई के पास ही हुआ है, लेकिन हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई विल टेक यू देयर माई सेल्फ, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा स्वयं। तो यहां पर दोनों जो है प्रोनाउन पर, नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो दोनों तरीका सही है, दोनों सही है। उसी तरह नीचे वाला है द कैट इटसेल्फ ओपन द डोर, इसमें कह रहा है द कैट इटसेल्फ ओपन द डोर, कह रहा है कि बिल्ली ने स्वयं दरवाजा खोला। अब इसमें जो है इटसेल्फ क्या है, इटसेल्फ जो है कैट इस नाउन के पास है, लेकिन नीचे वाले में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं द कैट ओपन द डोर इटसेल्फ, बिल्ली ने दरवाजा खोला स्वयं, या बिल्ली ने स्वयं दरवाजा खोला। तो यहां पर अब इसमें जो है इटसेल्फ यहां पर है तो कोई बात नहीं है, हम ये दोनों तरीका सही है। यहां नीचे लिखा है कि सी हरसेल्फ विल डू इट, वह स्वयं इसे करेगी, सी हरसेल्फ विल डू इट, वह स्वयं इसे करेगी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी विल डू इट हरसेल्फ, करेक्ट, वह इसे करेगी स्वयं, या स्व इसे स्वयं करेगी। तो फ्रेंड्स ये रहा इम्फेटिक प्रोनाउन और इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो है थोड़ा अंतर है। इसमें अंतर ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रभाव जो है खुद कर्ता पर पड़ता है, जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन में जो है जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पर देखिए इसमें कि ही हिमसेल्फ विल गो देयर, वह स्वयं वहां जाएगा, ये इसमें बात पर जोर देने के लिए प्रयोग है,
अगर हम कहें कि वह वहां जाएगा तो साधारण एक साधारण तरीके से कहा जा रहा है, लेकिन वह स्वयं वहां जाएगा तो इस पर बात पर जोर दिया जा रहा है, तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। ये हिमसेप जो यहां पर इम्फेटिक प्रोनाउन है, जबकि नीचे ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को मार लिया। यहां पर ये हिमसेल्फ जो है, यहां पर हिमसेल्फ यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव उसी के ऊपर पड़ा है। वह कैसे कि ही किल्ड, उसने मार दिया, किसको मार दिया? हिमसेल्फ, स्वयं को। उसके जो मारने का प्रभाव, उस जो मारने का कार्य है उसका प्रभाव खुद उसके ऊपर पड़ा है। तो यहां पे क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब ही होता है रिफ्लेक्ट होना, वापस लौटना। उसी तरह थर्ड वाला है आई माई सेल्फ विल टीच यू, मैं तुम्हें स्वयं पढ़ाऊंगा। अब यहां पर माई सेल्फ क्या है? ये जो है ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि यह बात पे जोर दिया जा रहा है कि मैं तुम्हें स्वयं पढ़ाऊंगा, जबकि नीचे वाले में आई वॉज टॉकिंग टू माई सेल्फ, मैं स्वयं से बात कर रहा था। अब इसे माई सेल्फ क्या है? इसके बात करने का प्रभाव किसे पड़ा है? कर्ता के क्रिया का प्रभाव खुद कर्ता के ऊपर पड़ता है। इससे कर्ता सब्जेक्ट है, क्रिया क्या कर रहा है? बात करना। तो बात करने का प्रभाव, मैं बात कर रहा हूं किससे? स्वयं से बात कर रहा हूं, आई से बात कर रहा हूं। तो यहां पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि इम्फेटिव प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करना बहुत आवश्यक है। यदि आप जो है आगे चलकर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको अपीयर होना है तो निश्चित रूप से जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी बहुत आवश्यक है। नहीं तो आप जो है इंग्लिश में किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी रही, आपको कैसा लगा या क्या सुधार की आवश्यकता है। थैंक यू।